हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए इंस्टेंट बनने वाले कपकेक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखिए, मैंने 1 कप भर के मैदा लिया हुआ है, 3/4 कप वाइट बटर है, होममेड। आप चाहें तो अमूल बटर या रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 3/4 कप कैस्टर शुगर है। आप चाहें, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो इसको 1 कप भी कर सकते हैं। 3 eggs लिए हुए, अब पिंच सॉल्ट लिया हुआ है मैंने, और उसके अलावा देखिए बेकिंग पाउडर लिया हुआ है, ये अराउंड 1 teaspoon, और 4 to 5 drops वनीला एसेंस के लिए मैं। इसके अलावा मैं इसमें एक चीज़ और डालूँगी, ये देखिए मैंने एक ऑरेंज लिया हुआ है, ठीक है ना। मैं ऑरेंज का यूज़ करूँगी इस समय। तो एक तो कुछ, सबसे पहले तो मैंने देखिए क्या करना है, मैंने ऑरेंज को ये देखिए ग्रेटर से थोड़ा सा इसको ग्रेट कर लूँगी, ये देखिए, और इसी ऑरेंज का ये थोड़ा सा इस तरीके से इसको मैं ग्रेट करके अराउंड थोड़ा सा 1-1.5 teaspoon इसका मैं ये ले लूँगी, और बाकी ऑरेंज का मैं जूस निकाल लूँगी। ये देखिए इसी तरीके से थोड़ा सा हमें इसको थोड़ा सा अलग एक फ्लेवर देना है। ये देखिए ये बहुत हो गया है, ये हमारा, हम इसको निकाल लेते हैं और बाकी ऑरेंज का हम जूस निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने ऑरेंज जूस भी निकाल लिया है, उसको ग्रेट भी कर लिया है ऑरेंज के छिलके को। अब हम चलिए शुरू करते हैं कपकेक बनाना। सबसे पहले इसके लिए देखिए हम ये बटर लिया हुआ है, ये बटर मैं डाल दूंगी जिसमें हमें फेंटना है, इस बड़े बाउल में डाल देंगे, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये कैस्टर शुगर। अब इसको विस्कर से हल्का सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से, कि शुगर जितने भी है उसकी कोई अच्छे से इसमें मिल जाए। ये देखिए ये अच्छे से मैंने कर लिया है। अब इसके बाद हम डाल देंगे इसमें ये जो हमने eggs रखे हुए थे। मैं फटाफट बनाना बता रही हूँ, ये फटाफट बन जाता है, इसमें कोई ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अब ये eggs मैंने डाल दिए थे, इसको भी अच्छे से कर लेंगे। एक मिनट अराउंड हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे रिफाइंड फ्लोर, इसके लिए मैं स्ट्रेनर रख लूंगी और इसको उससे डालूंगी। इसके बाद अच्छे से स्ट्रेन कर लूंगी इसको। हम इसमें इस टाइम पे इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। अच्छे से स्ट्रेन हो गया, अब हम इसको अच्छे से इसका से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने, ये देखिए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। देखिए इसको अच्छे से विस्कर से मैंने बहुत अच्छे से कर लिया है। अब इस टाइम पे ये मैंने जो ऑरेंज का ये छिलका ग्रेट कर रहा था, ऑरेंज पील, ये ऐड कर देंगे। और
ऑरेंज जूस ऐड कर देंगे। आप ये टेट्रा पैक भी जो आते हैं ऑरेंज जूस के, ये जो आते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, अब वो भी जाए तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अराउंड 1 टेबल स्पून हमारा हो गया बिल्कुल। अब हम इसको 2-3 मिनट अच्छे से बीट कर लेते हैं और उसके बाद हम माइक्रो, इधर मैं अवन गरम करने रख देती हूँ 180 डिग्री पे, प्री हीट कर लेते हैं अवन को, उसके बाद मैं इसको कपकेक्स बनाती हूँ, आपको बताती हूँ। देखिए मैंने इसको 5 मिनट अच्छे से बीट कर लिया है और मैं ये बचा है सॉल्ट, अपने सॉल्ट जो लिया था उसको भी ऐड कर देंगे उसमें। 1 सेकंड के लिए अच्छे से इसको बीट कर देते हैं और एक ही डायरेक्शन में बीट करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपका बैटर काफ़ी थिक है तो आप थोड़ा सा मिल्क यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा बस। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल देखिए ठीक है। चलिए मैं इनको आपका कपकेक्स बना लेती हूँ। फिर मैंने मफिन मोल्ड ले लिया है, अब हम इसको ऑयल से थोड़ा थोड़ा इधर ग्रीस कर देंगे। अब इसके बाद ये हम इसमें ये मफिन लाइनर से ये रख देंगे। ये देखिए हमने रख दिया। वैसे तो इसके बाद स्टिक नहीं होता है बिल्कुल भी, इसको हम हल्का सा साइड से ब्रश से, ये देखिए जो मैंने ऑयल लगाया है वो सब इजीली उतर जाता है। ये साइड से इसको कर दिया कि सारा थोड़ा सा ग्रीजी हो जाए तो इजीली निकल आए कपकेक्स। देखिए ये अब हमारा हो गया। अब इस टाइम पे हम ये बैटर जो हमारा था हम इसमें तरीके से हम सारे मोल्ड हमने सारे मोल्ड में भर दिया है। अब ये हमारा मैंने अवन प्री हीट होने रख दिया है, ये देखिए। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा चाहें तो ये जो आप बच्चों को भी आप टिफिन में भी दे सकते हैं, इवनिंग टाइम में भी आप खा सकते हैं कपकेक। सबको बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आते हैं, तो बच्चे तो खासकर टिफिन में बहुत शौक से ले जाते हैं और ये बहुत ही हेल्दी है। आपने देखा है कि मैंने यूज़ भी वाइट बटर किया है तो वैसे भी बहुत हेल्दी रहता है। थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे ना तो बच्चे और शौक से खाएंगे चोको चिप देख के। तो ये आप कोई घर में गेस्ट आ रहा है चाय के टाइम पे आपको बनाना है, आप किसी समय भी बना के खा सकते हैं इस सका। तो चलिए मैंने मेरा ओवन बेक हो हीट हो गया है सॉरी, तो मैं इसको अराउंड इसको 30-35 मिनट्स लगेंगे बेक होने के लिए। मेरा बेक हो जाए फिर मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बता दूँगी। चलिए मैं इसको बेक करने रखती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरे मफिन्स तैयार हो गए हैं इतने अच्छे से, ये देखिए कितने इजीली निकल रहे हैं, ये देखिए और कितने सॉफ्ट स्पॉन्जी बने हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पेपर आप निकाल लोगे, ये देखिए ठीक है। आपको अगर ये इसकी रेसिपी समझ आई हो, अच्छी लगी हो, आपको लगा कि बच्चे बहुत शौक से खाएंगे तो इसको बनाइए और बच्चों को ज़रूर बना के खिलाइएगा। चलिए मैं इसको सर्व कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरे कपकेक्स बिल्कुल तैयार हैं, इनको गरम करिए, ऊपर से चॉकलेट सॉस डालिए और खाइए, देखिए कितना मज़ा आएगा। ये देखिए अब बच्चे बहुत पसंद करेंगे, बड़े भी, सबके लिए बनाइए और सबको बना के खिलाइए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए मेरे वीडियोस और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।